Hey guys, this is Mukesh from Prabhav Creation and welcome to my channel. So friends, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है मेरा चैनल. और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत कम सब्सक्राइबर है अभी. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. एंड यहाँ पर मैंने अभी रिसेंटली एक 3D फ्लिप बुक बर्थडे इन्विटेशन का वीडियो डाला था, और मुझे इस पर कमेंट्स आया कि इस टाइप का एनिमेशन कैसे करते हैं, ये 3D पॉपअप बुक का. तो देख लेते हैं हम एक बार इसे. One in four Americans today is living with a disability, and over 3 million of them are children. So, this is the video, और हम बनाने वाले ये फ्लिप बुक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे आफ्टर इफेक्ट के अंदर. एंड यहाँ पर सबसे पहले एक हम हमारा प्रोजेक्ट बना लेते हैं 3D. फ्लिप बुक 1920x1080. ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है यहाँ पर. हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट आ चुका है. अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले मैं करता हूँ राइट क्लिक, और यहाँ पर लेते हैं हम यहाँ पर न्यू सॉलिड. सॉलिड लिया है, मैं येलो कलर ले रहा हूँ. मैं कलर आप अपने हिसाब से डिज़ाइन ले सकते हैं. सॉलिड की जगह आप चाहे तो JPG ले सकते हैं, या जो भी आप चाहे वो ले सकते हैं. मैं एक सॉलिड ले रहा हूँ यहाँ पर, रेड कलर का ले लेते हैं हम. ये हमारा एक सॉलिड यहाँ पर आ चुका है. और सेम हम करेंगे इसको डुप्लीकेट, या आप चाहें तो यहाँ से एक और न्यू लेयर, न्यू और सॉलिड ले सकते हैं. मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इजी रहे समझने में. तो ये हमारे पास यहाँ पर दो सॉलिड आ चुके हैं. एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे सॉलिड है इनका पीवट पॉइंट है, उसे हम चेंज करेंगे. तो सबसे पहले येलो वाले का पीवट पॉइंट मैं सेट करता हूँ स्टार्टिंग में यहाँ पर टॉप पर. रेड वाले सॉलिड का भी पीवट पॉइंट हम सेट कर लेते हैं टॉप पर. ओके, अब यहाँ पर हम इन दोनों लेयर्स को यहाँ से कर देंगे हम 3D में कन्वर्ट. तो ये हमारी जो लेयर्स हैं ये 3D में कन्वर्ट हो चुकी हैं. एंड अब हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर व्यू जो है इसको हम कर लेते हैं टू व्यूज़ में कर लेते हैं. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारा ये वाला जो है ये टॉप व्यू हो गया है, और ये हमारा फ्रंट व्यू एक्टिव कैमरा है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर टॉप की जगह में इस व्यू कर देते हैं हम साइड में लेफ्ट या राइट व्यू कर लेते हैं. ये हमारा राइट व्यू यहाँ पर हो चुका है. और एक चीज़ और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, कैमरा लगाएंगे यहाँ पर ऐसे लेयर न्यू, और यहाँ पर हम ले लेंगे कैमरा एंड 35 mm ठीक रहेगा. और ओके, तो हमारा कैमरा यहाँ पर लग चुका है. अगर आप कैमरा को मूव करेंगे तो आप इजीली यहाँ से देख पाएंगे. सी प्रेस करेंगे हम तो यहाँ से हमारा कैमरा व्यू आ जाएगा, जिससे हमारा सॉलिड जो है हमारा प्रॉपर तरह से हम इसे देख पाएंगे. तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ यहाँ पर. कैमरा एंगल हमारा हमने सेट कर लिया जिस भी एंगल पर हमें चाहिए ये सॉलिड. और थोड़ा सा इस तरह, तो हमारा कैमरा एंगल सेट हो चुका है यहाँ पर. मैं कैमरे को थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, वी प्रेस करते हैं हम.
मैं जेड एक्सिस में पीछे कर लेता हूँ ताकि हमारा सॉलिड थोड़ा और क्लियर दिखाई दे, और एक्स नहीं वाई एक्सिस पे कर लेते हैं हम, तो हमारा सॉलिड जो है प्रॉपर हमें इस तरह दिखाई दे रहा है। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ पर हमारी बुक ओपन होती है वो कुछ इस तरह से होता है। तो ये आ गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम आते हैं हमारे येलो सॉलिड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम प्रेस करेंगे रोटेशन आर। आर प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए रोटेशन के ऑप्शन आ गए सारे, और ये हमारा एक्स रोटेशन है तो हम इसे एक्स रोटेशन पर सेट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कीवर्ड हमारे स्टॉपवॉच पर यहाँ पर एक की सेट करते हैं एंड कुछ टाइम बाद लेट्स सी इसको हम जूम कर लेते हैं। एक सेकंड बाद जो हमारा रोटेशन था उसे हम यहाँ से -90 कर देते हैं, तो ये हमारा ऐसे ओपन हो गया। तो ये इस तरह से हमारा एक फ्लिप बुक बहुत ही इजी तरह से ओपन हो चुका है यहाँ पर इस तरह। आपको लगता है फास्ट है तो आप इसे थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह हमारा एक फ्लिप बुक यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब हम जाते हैं हमारे वीडियोस में और देखते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे हमारा फ्लिप बुक ओपन हो रहा है, ओपन होने के साथ साथ यहाँ पर ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ रही हैं, जो अदर एलिमेंट है वो यहाँ पर ये भी आ रहे हैं, ये देखिए इस तरह ये सारी चीज़ें भी पॉपअप हो रही हैं। तो हम इन्हें भी सेट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे सेम हमारा जो येलो वाला हमारा जो रेड वाला लेयर है इसी को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर लेंगे। एंड डुप्लीकेट करने के बाद इसका हम कलर सेट कलर चेंज कर देते हैं। जाएंगे लेयर सॉलिड सेटिंग और इसका कलर में ले लेता हूँ ब्लू ताकि और इजी रहे समझने में। और उसके बाद जो हमारा पीवट था आई थिंक हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम कर लेते हैं इसे सिंगल व्यू जो हमारा करंट फ्रेम है उसी पर। और हमारा जो पीवट था कैमरे का हमारे सॉलिड का जो पीवट था उसे हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, से लेके आता हूँ वापस सेंटर में और इस तरफ लेके जाएंगे हम यहाँ पर इस जगह पर लेके आते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया हमारा पिवट और इसे मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ थोड़ा सा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसे एक्स एक्सिस में छोटा करना है मुझे। ये यहाँ पर हम देखेंगे हमारा पीवर्ड प्रॉपर सेट हुआ है नहीं हुआ है, यहाँ से इसे हम ये वापस सेट कर लेता हूँ। देखिए इस जगह पर मेरे राइट पर जाकर यहाँ से इसे प्रॉपर सेट कर लिया हमारे पीवट को यहाँ पर। फिर से मैं वन व्यू पे आ जाता हूँ और हमारा पीवट यहाँ पर सेट हो चुका है, मतलब इसको इस साइज़ का कर लेते हैं 50% ठीक रहेगा, 50% कर लेते हैं, इसे थोड़ा आगे की तरफ खसका देते हैं। देखिए जैसे हमारा ये फ्रंट वाला पेज ओपन हो रहा है ये हमारा दिख रहा है नीचे वाला सॉलिड और ये साइड वाला सॉलिड, तो अब इसे हम साथ में ओपन करेंगे। तो जैसे ही हमारा पेज यहाँ से इतना ओपन हो जाता है उसके बाद हम यह वाला जो हमारा ब्लू वाला सॉलिड है उसके रोटेशन पे जाएंगे एंड हम रोटेशन देख लें किस रोटेशन पर ये हो रहा है। तो मेरे हिसाब से वाई रोटेशन पर ही है, ठीक है, तो वाई पर ओपन हो रहा है। हमारा पीवट अभी भी प्रॉपर सेट नहीं है तो इसे हम प्रॉपर सेट करेंगे।
आई थिंक अब ये प्रॉपर सेट हो चुका है। एक बार फिर हम रोटेट करके देख लेते हैं वाई एक्सिस में। ये हाँ प्रॉपर सेट हो चुका है ये हमारा ऊपर। तो अब हमारा जो जैसे हमारा फ्रंट पेज यहाँ से इतना ओपन होता है, उसके बाद हम ब्लू वाला जो हमारा है अगला सॉलिड है उस पर मैं यहाँ पर वाई पर प्रेस करता हूँ स्टॉप वॉच। यहाँ से हमारा की यहाँ पर आ चुका है। एंड यहाँ से जैसे ये ओपन हो जाता है इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर हम इसे कर देते हैं ओपन इस तरह से। इसमें कर देते हैं पूरा 90 डिग्री। ये हमारा ओपन हो चुका है। तो जब हम इसे प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये देखिए इस तरह। आ चुका है यहाँ पर। सेम हम यहाँ पर जिस तरह लेफ्ट साइड हमने किया है, सेम हम राइट साइड भी इसी तरह करेंगे। तो मैं इसी को यहाँ से कर लेता हूँ डुप्लीकेट। एंड डुप्लीकेट करने के बाद इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, लेयर सॉलिड सेटिंग, और यहाँ से मैं इसका कलर देता हूँ ग्रीन। ओके न्यू। और हमारी इसकी जो पोजिशन है उसे हम सेट करेंगे, जेड पोजिशन है, तो इसे यहाँ से हम मूव करेंगे जेड पोजिशन को और इस तरफ लाकर यहाँ पर सेट कर लेंगे प्रॉपर। तो ये देखिए इस तरह। अब क्योंकि ये हमारा जो वाई डायरेक्शन में प्लस साइड में रोटेट कर रहा था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो इसकी रोटेशन वैल्यू है उसे हम माइनस कर देंगे। मैं जाता हूँ रोटेशन पे। यहाँ पर ये ज़ीरो था तो इसे हम ज़ीरो की जगह यहाँ पर 180 कर देते हैं इसे। तो ये हमारा इस रोटेशन पे इस पोजीशन पे आ गया है। और यहाँ से हम इसे ये देखिए ओपन हो चुका है। और ये थोड़ा सा जेड एक्सिस में इसलिए नीचे दिख नहीं रहा है, हम इसे ऊपर कर देते हैं हल्का सा। ये इस तरह से आ चुका है, थोड़ा सा नीचे जाएगा। ओके ये प्रॉपर आ चुका है। अभी मैंने अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ से इसे प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं फोर व्यू पर जाकर। यहाँ पर प्रॉपर मैच कर सकते हैं आप इसे। ये हो चुका है, वन व्यू पे आ जाते हैं सीधे। और ये इस तरह से हमारे दोनों साइड फ्लिप होना यहाँ चालू हो चुका है। इस तरह से फ्लिप हो रहा है। और सेम अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी कुछ कुछ ऑब्जेक्ट पॉपअप हो इस जगह पर भी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये वाला सॉलिड था येलो सॉलिड, इसको हम करेंगे डुप्लीकेट कंट्रोल डी। इसका भी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, लेयर सॉलिड सेटिंग, और यहाँ से हम इसे कर लेते हैं लेट्स सी पिंक कर लेते हैं न्यू। ओके और इसकी जो स्केल है साइज है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। यहाँ से पहले लॉक खोलेंगे, इसकी एक्स को थोड़ा चेंज किया, ओके वाई को भी चेंज किया, ये ठीक रहेगा। और अब इसकी जो पोजीशन है हम इसे थोड़ा आगे की तरफ ले आएंगे, जहाँ भी हमें लगता है कि हमारा प्रॉपर सही रहेगा यहाँ पर उस जगह पर हम इसे ले आएंगे। साइज हम और छोटा करेंगे। साइज़ ये आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा, आपको किस टाइप का वहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेट हो जाएगा ये साइज। पोजीशन सेट कर लेते हैं हम अपने हिसाब से। यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब हम इसका जो
रोटेशन था उसे हम चेंज करेंगे। तो आर प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर इसका रोटेशन जो था वो 0 था, तो मैं इसे कर देता हूँ 180, जो कि अपोजिट साइड में हो गया है। और सेम यहाँ से हल्का अगर इसके नीचे कर लेंगे तो आप यहाँ पर इसे देख पाएंगे, और थिंक मटीरियल हम इसे 90 करना चाहिए, 180, और ये 180 से यहाँ पर आकर -90 जगह से हम 90 करेंगे, या फिर 0 के यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम पर इसे सेट करेंगे 0। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वैल्यू का, क्योंकि रोटेशन के टाइम पे आपको बस ये देखना है कि किस तरफ आपका जो एनिमेशन है वो किस साइड आएगा, तो वो आपको बस ध्यान रखना है। यहाँ पर ये देखिए, जैसा मैं 90 कर रहा था, 90 की जगह यहाँ पर इस जगह पर आएगा 270 पर, तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। मैं इसे थोड़ा आगे कर देता हूँ, की फ्रेम को थोड़ा आगे कर देता हूँ ताकि जब ये ओपन हो उसके बाद ओपन हो, ये जैसे यहाँ पर ओपन होगा यहाँ से हल्का सा इसे ऊपर कर देता हूँ। बहुत माइनर से पॉइंट होते हैं ये, बहुत ही हल्के से, ये देखिए नहीं हो पा रहा है। इसे फोर व्यू में जाएंगे, हम इसे प्रॉपर सेट कर देंगे इस तरह। ये आ चुका है हमारा फ्रंट वाला पैनल, इस तरह ओपन हो रहा है। अब हम क्या करें, सेम इसको एक और कॉपी ले लेंगे इस वाले लेयर की, सॉलिड की सॉरी, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। इसका भी मैं कलर से चेंज कर लेता हूँ, और इसका कलर हम यहाँ से ले लेते हैं स्काई ब्लू ले लेता हूँ मैं न्यू, और इसे हम यहाँ से एक्स एक्सिस में यहाँ से इस तरफ मूव कर देते हैं इस तरफ। तो हमारी फ्लिप बुक यहाँ पर इस तरफ बन चुकी है। तो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे प्ले करके देखता हूँ। इस तरह हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। ये की हमारे जो दोनों सॉलिड हैं इनके कीज को मैं थोड़ा पास कर देता हूँ ताकि स्पीड फास्ट हो जाए, अभी बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड लग रही है इस तरह से। तरह से हमारी फ्लिप बुक ओपन हो चुकी है। अब ये तो हमने सॉलिड से कर लिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसकी जगह इमेज को रिप्लेस करना तो वो हम कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट इमेज लाएंगे तो वो एक इशू हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर स्केल किया था और ये सारी चीज़ें चेंज हुई थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट सॉलिड है उसे सिलेक्ट करेंगे, जितने भी हमारे सॉलिड है हम उसे सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सी, और हम करेंगे इनका प्रीकॉम, और यहाँ पर हम करेंगे लीव ऑल एट्रीब्यूट इन द 3D फ्लिप बुक एंड ओके प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा प्रीकॉम बन चुका है, इस तरह से रेड का प्रीकॉम आ चुका है यहाँ पर। अब ब्लू पर जाएंगे हम, सेम कंट्रोल शिफ्ट सी, ये ब्लू बन चुका है। आप चाहें तो इनको नाम भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, मैं इसे देता हूँ बेस, लेट्स सी मैं इसे नाम देता हूँ फ्लोर के, सेम नेक्स्ट हमारा
प्लेस होल्डर वन, तो मैं इसे देता हूँ P1। यहाँ पर फिर कंट्रोल शिफ्ट सी, इसको हम नाम दे देते हैं P2। सेम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट सी, इसे हम कर देते हैं P3। कंट्रोल शिफ्ट सी यहाँ पर P4 एंड कंट्रोल शिफ्ट सी यहाँ पर P5। आपको ध्यान रखना है जितने भी आप प्रीकॉम बना रहे हैं यहाँ पर लीव ऑल एट्रीब्यूट इन द 3D, या यहाँ पर जो भी आप नाम देंगे आपके मेन कॉम का वाला यहाँ शो होगा, तो ये सब लीव करना है आपको, मूव नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको। एंड ओके, तो ये सब कुछ हमारा एनिमेशन इस तरह से आ चुका है। ये यहाँ पर आ चुका है, लेट्स सी हम कुछ बैकग्राउंड निकाल लेते हैं। गूगल पर जाते हैं हम और यहाँ से वेडिंग बैकग्राउंड ये ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। एंड फ्लोर के लिए हम लेते हैं वुडन बैकग्राउंड, इसमें से कोई ले लेते हैं। लग रहा है, काम नहीं आएगा, तो हमको चाहिए JPG या PNG। एंड दूसरा बैकग्राउंड देख लेते हैं, कोई सा ये वाला ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। JPG में आ चुका है और दोनों इमेज में यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इमेज बैकग्राउंड वाली, तो ये हमारा फ्लोर था, जो फ्लोर को ओपन करते हैं और यहाँ पर फ्लोर वाली इमेज को लाकर प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पर आ चुका है, इमेज हमारी थोड़ी सी ब्लर आई है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा था। दूसरी इमेज देख लेते हैं हम, थोड़े बड़े साइज की। ये इमेज अच्छा लग रहा है, इसको ले लेते हैं। और ये भी वेब है, काम नहीं आएगा। लेट्स सी, ये वाला बहुत छोटा साइज है। गूगल पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप जो भी आपको लगता है आप नेट से निकाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या बनाना है, किस टाइप का बनाना है।
मैं जो हमारा फ्लोर था उसमें इमेज चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे दूसरी इमेज डाल देते हैं। ये इमेज भी छोटी है पर देखते हैं ये ठीक लग रही है यहाँ पे। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो इमेज है वो चेंज हो चुकी है, मैं इसे कर देता हूँ फुल। तो नीचे बैकग्राउंड की इमेज चेंज हो गई है यहाँ पर। अब सेम हम यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड इस साइड से चेंज करेंगे, तो हमारा जो पीछे वाला बैकग्राउंड है वो येलो वाला था, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड जो हमने निकाला था प्लेस कर देते हैं। तो देखिए पीछे बैकग्राउंड भी ये वाला आ चुका है इस तरह। और अब राइट साइड का बैकग्राउंड डालना है, तो लेट्स सी हम यहाँ पर कुछ कटआउट डालेंगे। तो उसके लिए हम कुछ PNG डाउनलोड करते हैं। तो इस टाइप से कुछ डिज़ाइन यहाँ पर आ रहे हैं। तो नेट पर काफ़ी सारा ऑप्शन अवेलेबल है, आप निकाल सकते हैं नेट से। लेट्स सी ये कौन सा है, इस ब्लू वाले पर जाएंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पर मैं डालता हूँ एक PNG, इस लेयर को मैं हाइड कर दूंगा ताकि हमें एक प्रॉपर PNG मिल जाए। मैं इसे स्केल कर लेता हूँ यहाँ से, और जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारा PNG है, लेकिन ये इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज है क्योंकि हमने लीव किया था सारा और पिवट हमारा गलत साइड सेट हो गया था। तो हम इसे रोटेट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं करूँगा इसे लॉक। लॉक करने के बाद वापस मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारा वापस ओपन हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसे कॉम को पकड़ के साइड में ड्रैग कर लूँगा, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन, दोनों कॉम यहाँ पर दिखाई देंगे। अब हमें किस तरफ करना है इसे फ्लिप, हाँ इसी तरफ करना है, तो मैं रोटेट करूँगा एंड ये ठीक है 90 डिग्री पर मैं इसे रोटेट कर दूँगा। और इसे स्केल करेंगे हम थोड़ा सा इस तरह से, और एकदम कॉर्नर पे सेट कर दूंगा मैं। तो ये देखिए हमारा जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह दिखाई देगा। चाहे तो इसे और लंबा कर लेते हैं, आप चाहे तो डिज़ाइन चेंज कर दीजिए, आपकी मर्जी है, जो चाहे आप वो डिज़ाइन डाल सकते हैं यहाँ पर। इस तरह हमारा एक साइड डिज़ाइन आ चुका है। सेम डिज़ाइन को मैं इधर कॉपी कर दूंगा, यहाँ से कॉपी करके ले जाऊँगा एंड यहाँ पर ये था हमारा P2, यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। नीचे लेयर को कर देंगे हम हाइड। तो इस तरह हमारा दोनों साइड डिज़ाइन यहाँ पर आ चुका है इस तरह। ये डिज़ाइन यहाँ पर आ चुका है। आप जैसे पीछे यहाँ पर जो भी टेक्स्ट वेक्स डालना चाहते हैं आप, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। के लिए आपको जाना पड़ेगा ये वाली लेयर पे, कौन सी लेयर थी ये, P3 पर। इस लेयर पर आएंगे हम P3 लेयर पर, ये वाली लेयर थी हमारी। और यहाँ पर आप जब चाहे तो टेक्स्ट सेट कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहे वो लिख सकते हैं।
जैसे ये ओपन ओपन होगा, यहाँ पर भी सेम उल्टा आ रहा है, तो उसे भी हम यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं, यहाँ से एस, और इसको मैं कर देता हूँ माइनस, यहाँ पर टेक्स्ट हमारा सीधा हो गया। अगर आप स्टार्टिंग में ही पिवट सेट करते समय ध्यान रखेंगे एक्स वाई जेड का, तो आपको ये फ्लिप करने की या ऐसे उल्टा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था, अगर ये पिवट में इधर सेट करता तो हमारा वहाँ पर प्रॉपर टेक्स्ट आता। खैर यह हो चुका है टेक्स्ट हमारा यहाँ पर इस तरह। ये टेक्स्ट कैसे हटेगा ये भी मैं आपको बता दूँगा बाद में, या मैं बता ही देता हूँ। सेम जो हमारा ये वाला प्रीकॉम था, सेम मैं इसे करता हूँ डुप्लीकेट, कंट्रोल डी। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इस पर करता हूँ राइट क्लिक, और यहाँ से हम जाते हैं रेवल इन सोर्स प्रोजेक्ट, और यहाँ पर ये P3 मैं इसे भी कर लेता हूँ कंट्रोल डी। ये हमारा नया प्रीकॉम यहाँ पे आ चुका है। अब मैं ऑल्ट के साथ इस प्रीकॉम को उठाकर यहाँ पर रख दूँगा, तो ये हमारा पहुँच चुका है P6 यहाँ पर, और मैं इसे हल्का से यहाँ से ऊपर की तरफ कर दूँगा हल्का सा, और अंदर जाके इसमें से टेक्स्ट को मैं हाइड कर दूँगा। तो यहाँ पर ये कॉम हमारा अलग है और ये नीचे वाला कॉम अलग है, लेकिन क्योंकि सेम इनकी वैल्यू सेम है, सिर्फ हल्का सा जेड एक्सिस का फ़र्क है, इसलिए इस पर दिखाई नहीं देगा, और जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो अंदर की तरफ हमें दिखाई देगा इस तरह से। एंड अब यहाँ पर मैं ले आता हूँ, इन दो जगह पर हम डालते हैं कुछ और ग्राफिक्स, तो लेट्स सी, इसे सिलेक्ट करता हूँ मैं कंट्रोल, सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर जाएंगे, और यहाँ से मैं डालता हूँ लेट्स सी ये PNG डालते हूँ। सेम पिवट का इशू है, इसे हम कर लेंगे रोटेट, या फिर आप स्केल कर लीजिए, माइनस कीजिए और उल्टा कर दीजिए, तो ये यहाँ पर सीधा हो जाएगा। और क्योंकि हमने इसे यहाँ से साइज़ को स्केल किया था, इस वजह से पूरा स्केल हो गया, तो उसका ऑप्शन ये है कि या तो आप जो हमारा सॉलिड है उसको स्टार्टिंग से ही सेम साइज़ का लीजिए, जो मैंने यहाँ इसकी कॉपी की थी उसकी जगह आप यहाँ पर एक नया सॉलिड लीजिए जिसका साइज़ आप जो भी आपको साइज़ रखना है वो रखिए, या फिर अगर आपने इसी को कॉपी किया है तो इसके लिए ऑप्शन ये है कि आप जो प्रीकॉम के अंदर आकर यहाँ से इसे स्ट्रेच कर सकते हैं इस इमेज को, तो वहाँ पर आपकी इमेज स्ट्रेच जाएगी। मैं पीछे वाली बैकग्राउंड को, लेयर को, सॉलिड को हाइड कर देता हूँ इस तरह से, तो आप इसे स्ट्रेच करेंगे तो हमारा जो पीछे का वहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। तो जब तक इसे स्ट्रेच कीजिए जब तक आपका ये प्रॉपर सेट ना हो जाए। यहाँ पर हम यहाँ पर आ जाते हैं, स्केल पे जाता हूँ, इसे लॉक कर देता हूँ फिर से, और इसे एक बार स्केल करता हूँ ताकि साइज़ हमको हमारे हिसाब से मिल जाए जितना हमें चाहिए। ये देखिए इस तरह हमारा ओपन हो चुका है ये फर्स्ट पार्ट। सेम इस वाले सॉलिड पर भी हम जाते हैं, और यहाँ पर भी जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पर मेरे पास एक बोर्ड है उसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरह, सेम इशू आ रहा है, तो स्केल और यहाँ से कर देंगे माइनस, ये हो गया, और पीछे का बैकग्राउंड में हाइड कर देता हूँ, स्केल करके इसे कर देता हूँ थोड़ा बड़ा, इस तरह से आ जाएगा। और सेम यहाँ पर भी स्ट्रेच हो रहा है, चाहे तो आप अंदर से इसे स्ट्रेच करके इसे यहाँ से इसके इक्वल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो बाहर आके जो यहाँ पर हमने स्केल किया था उसे अपने हिसाब से यहाँ से भी स्केल कर सकते हैं प्रॉपर इस तरह से। पोजीशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जहाँ भी आपको रखना है इस तरह।
और अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको ये उल्टा मिला है क्योंकि सेम हमने पिवट का ध्यान नहीं रखा था, आपको वो ध्यान रखना है। और मैं इस पर टेक्स्ट लिखूँगा लेकिन मुझे उसे भी फ्लिप करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसकी जगह इसे मैं फ्रीकॉम बना दूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ, और यहाँ से लीव ऑल एट्रीब्यूट बाहर छोड़ देंगे। और जब हम इसके अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ पर ये सीधा मिलेगा। तो यहाँ पर हम जो भी हमें टेक्स्ट डालना है वो यहाँ पर डाल देंगे। जब आप बाहर आएंगे इस कॉम पर तो यहाँ पर ही आपको उल्टा मिलेगा, और बाहर आएंगे तो यहाँ पर ही आपको फिर से सीधा हो जाएगा। तो ये इस तरह से एनिमेशन, यहाँ पर हमारा फ्लिप बुक एनिमेशन बन चुका है इस तरह से। मैं इसे सिंगल व्यू कर लेता हूँ फिर से, यहाँ से क्रॉस करेंगे हम, लॉक हटा लेता हूँ मैं, और प्ले करके देखते हैं। रैम प्रीव्यू ले रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, टिक के चलेगा। एक बार यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा पूरा, उसके बाद ये प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जैसे ही हमारा ओपन हो रहा है पूरा और टेक्स्ट हमारा गायब हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा P6 वाला जो हमने बनाया था लेयर, वो जहाँ से गायब हो रहा है उसके थोड़ी पहले से हम इसे आगे से डिलीट कर हटा देंगे, कट कर देंगे। तो उसके लिए हम ऑल्ट और राइट ब्रैकेट क्लिक करेंगे तो ये हमारे यहाँ से कट जाएगी लेयर। तो ये हमारा इस तरह से पूरा एनिमेशन यहाँ पर रेडी हो चुका है। सो हमारा यहाँ पर पॉपअप बुक एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। आप सेम इसी तरह आगे के भी नेक्स्ट पेजेस बनाकर यहाँ पर सिर्फ उन्हें प्लेस करना है, जिससे ये प्रॉपर आपका फ्लिप बुक एनिमेशन कंटिन्यू एक के बाद एक चलता रहेगा। सो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह के और भी ट्यूटोरियल, या फिर इस ट्यूटोरियल में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल श्योर सॉल्व करेंगे। या फिर अगर आप चाहते हैं नया कुछ वीडियो बनाना या नया कुछ ट्यूटोरियल बनाना, तो वो भी मुझे बताइए, तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। What?